अभिषेक बच्चन भोपाल पहुंचे हैं। आपको बता दें, अभिषेक बच्चन पहुंचे हैं अस्पताल, इंदिरा भादुड़ी का हाल जानने पहुंचे हैं। अभिषेक बच्चन ने नानी का हालचाल जाना। इंदिरा भादुड़ी का अस्पताल में इलाज चल रहा है, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। तो अभिषेक बच्चन अपनी नानी से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए भोपाल पहुंचे। बता दें, जया भादुड़ी चूंकि भोपाल की ही रहने वाली हैं और उनका मायका वहां पर है, उनकी मां की तबीयत जो है ख़राब चल रही है, फ्रैक्चर की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। और अब इसी बीच अभिषेक बच्चन पहुंचे हैं अपनी नानी से मुलाकात करने के लिए, भोपाल पहुंचे हैं। ज़्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शिवकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, अभिषेक बच्चन भोपाल पहुंचे हैं, उनकी नानी की तबीयत लगातार खराब है फ्रैक्चर के चलते, अभी कैसी स्थिति है और कब तक अभिषेक रहने वाले हैं वहां पर? पहले ही अपनी नानी से अस्पताल में मिलके रवाना हुए हैं यहाँ से, और पिछले 3 दिन से भोपाल में ही हैं अपनी माँ के साथ। जया बच्चन भी भोपाल में ही हैं। दरअसल कुछ दिन, 3-4 दिन पहले करीब, इंदिरा भादुड़ी की कमर में फ्रैक्चर हुआ था और जिस वजह से उनको भोपाल के एक निजी अस्पताल, जो अभी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, इसी में उनको एडमिट किया गया था। और जब से ही उनका इलाज चल रहा है, हालत बहुत अच्छी है, स्थिति बेहतर है, इलाज चल रहा है। हालांकि कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में अभी उनको एडमिट रहना पड़ेगा। इसी सिलसिले में जया बच्चन यहाँ भोपाल पहुंची हुई है 3 दिन पहले से, और लगातार वो बताया गया है कि लगातार 3 दिन से अस्पताल आती हैं, अपनी माँ से मिलती हैं और चुपचाप से चली जाती हैं और लगातार मौजूद हैं अपनी माँ के साथ। अभिषेक बच्चन भी उसी दिन शाम को पहुंच गए थे और उनका भी लगातार 3 दिन से भोपाल में ही डेरा डला हुआ है, और सुबह शाम वो अपनी नानी को देखने आते हैं, हालचाल जान के निकल जाते हैं। अभी कुछ देर पहले भी भोपाल अस्पताल पहुंचे थे और अस्पताल में हालचाल जान के कुछ देर पहले ही निकले हैं। अमिताभ बच्चन के पहुंचने की भी सूचना थी लेकिन अभी तक इसकी हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि फोन पे लगातार वो अपडेट ले रहे हैं अपनी सासू जी का। जी शिवकांत, इस बारे में कोई जानकारी कि डिस्चार्ज आखिर कब तक मिलेगा? और अभिषेक बच्चन, जया बच्चन तो पहुंचे ही हैं, और कोई भी उनके साथ पहुंचा हो, पहुंचने की जानकारी हो और डिस्चार्ज के बारे में भी कोई जानकारी? ऋतु, डॉक्टर्स के अनुसार अभी कमर में फ्रैक्चर था तो आराम तो है लेकिन उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है इंदिरा भादुड़ी को, जिस वजह से अभी डिस्चार्ज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। करीब करीब उनको 4 से 5 दिन और अस्पताल में रहना पड़ेगा ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ हो सके, और जब वो उठने बैठने की कंडीशन में हो जाएंगे तब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। जब तक उनको अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। करीब करीब 4 दिन हो चुके हैं, अभी करीब 3-4 दिन और वो अस्पताल में रहेंगी जब तक कि प्रॉपर डॉक्टर उनको मतलब छुट्टी देने की कंडीशन में नहीं आ जाते, क्योंकि ये डॉक्टर जो अस्पताल है उनके फैमिली डॉक्टर रहे हैं तो उनका इलाज यहीं होता है लगातार, और उन्हीं की वजह, उनकी सलाह पर अभी 3 दिन और यहाँ रहने का कहा गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शिवकांत।